हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कोल। ठीक है, तो अब देखो हमने जो लास्ट लेक्चर क्लास के अंदर पढ़ी अलग कि कोल अपनी क्या स्टोरी बताता है, किस तरह से वो फॉर्म होता है और कितना टाइम लेता है बनने में। अब हम देखेंगे कि जब कोल बनता है तो उसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं, कि कोल एक सिर्फ सिंगल एक कोल नहीं होता। ठीक है ना, तो जब कोल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जब वो बनते हैं तो उनके साथ साथ क्या क्या प्रोडक्ट्स उसमें एसोसिएट होते हैं। तो अभी देखो, सबसे पहले है कोक। कोक क्या होता है? जैसे कोयला आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो वो कैसा दिखाई देता है आपको, सब उसके स्ट्रक्चर और वो सब पढ़ें। टफ होता है, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इस तरह का ब्लैक सब्सटेंस होता है, कैसा होता है? पोरस होता है। ठीक है, पोरस सब्सटेंस होता है। और जो कोक है वो क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है? कोक। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट। अब ये जो कोक है ये किस किस के अंदर यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन के लिए और जब स्टील बनता है उस टाइम यूज होता है। नेक्स्ट आता है कोलतार। कोलतार क्या होता है? एक लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का सा थिक लिक्विड होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? कोलतार, ब्लैक थिक लिक्विड इज कॉल्ड कोलतार। अनपीसेंट स्मेल, मतलब उसकी स्मेल कैसी होती है? बहुत ही बेकार होती है, अनपीसेंट होती है। ठीक है, स्मेल नहीं की जा सकती। उसके बाद देखो ये यूज कहाँ कहाँ पर होता है? सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, सो मेनी। ठीक है, वहाँ पर ये क्या यूज होता है? कोलतार यूज होता है बहुत सारी ऐसी जगहों पर। नेक्स्ट आता है कोल गैस। अब देखो कोल गैस कब बनती है? कोल गैस कब बनती है? जब कोल से हम कोक बनाते हैं। जब कोल से क्या बनता है? कोक बनता है। उस टाइम पर क्या होता है? कोल गैस प्रोड्यूस होती है। जहाँ पर भी जैसे जो कोल है या कोक है उसको क्या करते हैं? हम बर्न करते हैं कोल को। तब कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाती है? कोल गैस प्रोड्यूस हो जाती है जो एज अ फ्यूल हम उसको यूज कर सकते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो कोल गैस क्या है? कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से कोक मिलने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हमें क्या मिलता है? कोल गैस हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर यूज होती है? यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जहाँ पर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के जरिए फ्यूल की तरह पे क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, तो ये है एसोसिएटेड पार्ट्स। हम समझ लो इसके पार्ट्स हैं किसके? कोल के, जो कि फॉर्म्ड होते हैं अलग अलग प्रोसेसिंग करने पर। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम और पेट्रोल देखो तो अलग अलग चीज़ें हैं। पेट्रोलियम एंड पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो पेट्रोलियम का ही क्या है? पार्ट है। ये नहीं कि कोल पेट्रोलियम और जो पेट्रोल है वो दोनों सेम नहीं है। अब हम देखो उसको किस तरह से पढ़ते हैं, कि किस तरह से वो अलग है। पहली बात, जो पेट्रोलियम है फ्यूल फ्यूल की तरह यूज होता है। फ्यूल इन लाइट एंड हैवी मोटर्स। लाइट मोटर व्हीकल्स में भी हो सकता है, हैवी मोटर व्हीकल्स में भी। अब जैसे जो लाइट मोटर व्हीकल्स है जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, ठीक है, उसके अंदर यूज हो जाता है ऐसा पेट्रोल। और जो हैवी व्हीकल्स है लाइक ट्रक, ट्रैक्टर, उसके अंदर किस तरह से यूज हो जाता है? ये डीजल के अंदर। तो जो पेट्रोल है और डीजल है दोनों ही किसकी फॉर्म है? पेट्रोलियम की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? पेट्रोलियम की फॉर्म है। पेट्रोल भी और डीजल भी। पेट्रोल जो है पेट्रोलियम का एक पार्ट है। ठीक है, जब हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तब हमें पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है, इस तरह से। तो क्या पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम? पेट्रोलियम से मिलते हैं हमें पेट्रोल और डीजल। ठीक है, नेक्स्ट है। अब देखो जिस तरह से जो कोल था वो भी अपनी एक स्टोरी बता डाला कि भाई उसको 300 मिलियन टाइम लग जाता है फॉर्म होने में। इसी तरह से ही पेट्रोलियम की भी एक स्टोरी। अब देखो पेट्रोलियम किस तरह से फॉर्म्ड होता है? आप लोगों ने कोल के अंदर पढ़ा कि जो डेड वेजिटेशन होता है जब वो क्या हो जाते हैं? सॉइल के अंदर बरेड हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तब क्या बनता है? जो डेड वेजिटेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कोल के अंदर। ठीक है, जिसको हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। बट पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है? जो
स्थल के अंदर क्या जाती है, बरे डल जाती है। वॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड, इनके ऊपर क्या आती जाती है, सैंड की लेयर आती जाती है। तो क्या होता है, जिस तरह से वो ये हमारे सीमर लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो सीमर लेवल है, इस तरह से हम यहाँ पर मशीन के थ्रू ड्रिल किया जाता है, ये हमारा बॉटम ऑफ द सी है। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, वो बरे होते होते नीचे चले गए। तो अब यहाँ पर किस तरह से बचेगी, इस तरह से हमारी सैंड की लेयर्स है, ठीक है। उसके बाद अगर ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा सैंड है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या हमारे पास वाटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑयल मिल जाएगा, पेट्रोलियम मिल जाएगा, यहाँ पर नेचुरल गैस में मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से वो बरे ड्रिल करके अंदर, ठीक है, ऊपर से सरफेस से ड्रिल कर कर क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, उसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो डेप जाते हैं सीकी ऑर्गेनिजम्स, उनके ऊपर लेयर आती जाती है। उसके बाद क्या होता है, हाई टेम्परेचर, सबको पता है नीचे जितना ही हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसके कारण हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में, ठीक है। तो ये है आपकी पेट्रोलियम की किस तरह से फॉर्म्ड होता है, किस तरह से ड्रिल करके निकाला जाता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो इसके आगे के पार्ट्स हैं, आगे के टॉपिक्स हैं,